सेटिंग पैनल में चले जाना है, ऐप में जाना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है। सिंपल यहाँ पे डन पे जैसे आप टैप करेंगे तो फिंगरप्रिंट ये ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी रियलमी का डिवाइस है और आप भी अपने डिवाइस में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट को जो ही यूज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके इस जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको अपने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है अपने रियलमी डिवाइस में, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि लंबे यूजेस के बाद जो है हमारे कुछ जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट में यहाँ पे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे जितने भी मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है अगर नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो। मे बी अगर आपके फिजिकल जो है पार्ट में अगर डैमेज नहीं होगा तो यहाँ पे आपका इन ट्रिक्स से सॉल्यूशन निकल सकता है। और इन केस अगर आपके इसी फिजिकल जो है यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट में ही प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको जो सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर भाई आपका सब तरीके से वर्क मतलब सब कुछ यूनिट सही है, यहाँ पे जो आपकी जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ये सही है और वर्क नहीं कर रहा, तो मैं आपको यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको यूज करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। तो देखिए इसके लिए सिंपली मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट लगाया है सबसे पहले आपको यहाँ पे उसको जो है डिसेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है यहाँ से रिमूव कर लेना, ठीक है। जैसे हम इस पे ओपन करते हैं यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आपको जाके इसको जो है डिलीट कर देना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और जैसे ही ये हमारा ओपन होगा तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर टैप करना और यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पर डिलीट पे टैप मिलता है, डिलीट कर देना, पूरा ही आपको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो वापस आपको पूरी तरीके से बैक आ जाना है। और आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि एक सॉफ्ट कपड़े से आपको जो है यहाँ पे जो आपका ये फिंगरप्रिंट जो यहाँ पे स्कैनर है इस पे आपको एक सॉफ्ट जो कपड़ा कह सकते हैं उससे आपको हल्का सा जो यहाँ पे साफ कर लेना है, डस्ट पार्टिकल को साफ कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ये करना है और उसके बाद आपको अब करना क्या होगा, आपका फिंगरप्रिंट रिमूव हो गया, आपने यहाँ पे को जो है क्लीन भी कर लिया आराम से, इजीली आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से जो है इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, कुछ सेटिंग्स को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस की जो है सेटिंग पैनल में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप में जाना है, ठीक है। ऐप में जाने के बाद ऐप मैनेजमेंट में जाना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, उसके बाद शो सिस्टम पर टैप करना है। यहां पर आपको सर्च कर देना है सबसे पहले फिंगरप्रिंट को, ठीक है। फिंगरप्रिंट आपको सर्च करना है तो इस तरीके से डॉट कॉम करके कोई फाइल आ जाएगी आपकी कई सारी, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा com.android.system.ui, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, सिंपली इस पर टैप करना है तो आपको इस तरीके से जो है ओवरले डॉट फिंगरप्रिंट ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसको करना क्या होगा, एक बार इसको आपको सिंपल सबसे पहले फोर्स स्टॉप करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद इसको फोर्स स्टॉप करना है, यहाँ पे मिलता है, इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है, ठीक है। अब फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको सिंपल इस तरीके से बैक ले लेना है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इतना बैक लेने के बाद अब आपको करना क्या होगा, एक चीज और करना है आपको, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को जो है इसको भी आपको यहाँ से नीचे आना है, स्टोरेज यूजर्स को जो है क्लियर करना है इन दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे बैक लेना है और यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स स्टॉप इसको भी कर लेना है। बस इतना करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब वापस से आपको करना क्या होगा, वापस से आपको जाना है अपने जो है यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है, वापस से आपको फिंगरप्रिंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे जाने के बाद आपको अपना होम स्क्रीन का पासवर्ड मेंशन करना है। जैसे आप होम स्क्रीन का पासवर्ड मेंशन करेंगे उसके बाद आपको ऐड ए फिंगरप्रिंट पे टैप करना है, एग्री पे जो है टैप करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको अपना फिंगरप्रिंट को जो है यूज करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका फिंगरप्रिंट का जो यहाँ पे फिट से आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है, लगाने का एक प्रोसेस इस तरीके से। और ये इस तरीके से आप यहाँ पे जो है इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इसको लगा देते हैं इस तरीके से, पूरा आपको कवर करके चलना है, ठीक है, आधा नहीं ले चलना है, कवर करके चलना है, ये होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से लगा देना है, ये देख सकते हैं पूरा हमने कवर किया हुआ है। अब जैसे ही आप कवर करेंगे तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे डन पे जो है सिंपली टैप कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे डन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें
तो यहाँ पे जो है नाम भी लिख सकते हैं फिंगरप्रिंट का, अदरवाइज अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बट इतना आपको जितना भी मैंने सेटिंग्स बताए इन सेटिंग्स को जरूर से फॉलो कर लेना है, ठीक है। बस इतना प्रोसेस आपको करना है, उसके बाद अपने डिवाइस को एक बार यहां से लॉन्ग प्रेस करके रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। वापस से आपको एक बार इसको रीस्टार्ट कर देना है यहां पे इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है, और इसके बाद जो है आपका जो प्रॉब्लम जो है यहां पे सॉल्व हो सकता है। और अगर आपके फिजिकल पार्ट में डैमेज होगा तो भाई उसके लिए सर्विस सेंटर हो सकता है जाना पड़ेगा, लेकिन भाई होता है ना कि लंबे समय के बाद कई सारे डस्ट पार्टिकल यहां पे आ जाते हैं जिससे हमारा फिंगरप्रिंट जो है क्लीन नहीं होता, स्कैनर क्लीन नहीं होता, और कुछ सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब प्रोसेस मैंने आपको जो बता दिया इन सबको जरूर से आपको फॉलो कर लेना इस तरीके से। तो दोस्तों होपली आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।